नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे, शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि किसानों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, यह अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। यहां आपको बता दें फिरोजपुर से, जहां किसानों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर अलग अलग गाड़ियों में आकर किसानों ने आवारा पशुओं को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लादकर वहां पर छोड़ दिया है। अब फिरोजपुर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर यहां पर ये आवारा पशुओं को छोड़ा गया है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर इन्हें लाया गया और आवारा पशु सड़क पर जो घूमते हुए दिखाई दिए थे उन सभी को इकट्ठा करके इन ट्रकों के जरिए, आप देख सकते हैं कि ट्रकों पर ये पशु जो है इन्हें भरकर लाया गया है और उसके बाद गेट के बाहर इन्हें छोड़ दिया गया। यह अनोखा प्रदर्शन किया गया है किसानों की तरफ से और उनका सीधा आरोप यही है कि आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। सरकार को ये मसला हल करना चाहिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 356वें जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान रायबरेली शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और इसमें पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस उत्सव को किस तरीके से मनाया गया, आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यहाँ पर जुलूस निकाला गया है। सड़कों पर सैकड़ों लोग पहुंचे जो कि फूलों के साथ बौछार करते नजर आए। सड़कों को भी फूलों से सजाया हुआ था और रंग बिरंगी रोशनी के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर पुष्प वर्षा भी की गई और यात्रा का स्वागत किया गया है। मिठाइयां बांटकर प्रसाद चखा गया और शोभा यात्रा गुरुद्वारे से निकलकर मनसा देवी मंदिर होते हुए घंटाघर वापस पहुंची और इसी दौरान कोतवाली रोड होते हुए अस्पताल चौराहा से हाथी पार्क होते हुए यूनियन बैंक किराए से सुपर मार्केट पहुंची शोभा यात्रा। काफी संख्या में लोग जो है इस यात्रा में मौजूद रहे और शोभा यात्रा में वीर खालसा की टीम पंजाब से रायबरेली पहुंची और कई बैंड भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। और इस बीच हंसता बैंड, पंजाब वारसी बैंड और रायबरेली बैंड शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा में आपको बता दें कि पंच प्यारे साहिबान की अगुवाई में निकाली गई ये यात्रा। छोटे छोटे बच्चे यहां पर पुष्प अर्पण करते हुए शोभा यात्रा में गुरु नानक जूनियर हाई स्कूल के बैंड स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। शोभा यात्रा में श्री गुरु गोविंद साहब को यहाँ पर उनको याद किया गया और साथ ही सजावट के साथ ये पूरी शोभा यात्रा निकाली गई है। त्रिलोचन सिंह मुंगा मेरा नाम है और मैं सदस्य हैं। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। क्या संदेश ये देना चाहते हैं कि हम वो ये संदेश हमारा रहता है कि हर साल जब से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश हुआ है तब से जो है ये चले आ रहे 300 कुछ साल हो गए हैं। हर जगह हिंदुस्तान में क्या देशों में भी जो है प्रकाश को मनाया जाता है, यहाँ मनाया जा रहा है और रात में प्रोग्राम भी इसका होगा, कल भी प्रोग्राम इसका होगा, लंगर भी परसों लंगर भी बहुत हुआ, बहुत जो है हजारों आदमियों ने लंगर चखा है। ये नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान भी आए हैं, ईसाई के लोग भी बताते हैं, बता दें आप वो भी आके सिखों के साथ जो है अपना पर्चे अपना लेते हैं। गोविंद सिंह ने दिया है कि मानस के जान जात एक को पहचान, उन्होंने हर जो जो मानस की जात है, मनुष्य की जान जो जो जाति है, हर एक उन्होंने कहा कि हर एक है, ये दो नहीं है, ये सिख वो सिख हिंदू मुसलमान ईसाई सब तो यहाँ के बने हुए हैं, लेकिन है इंसान बनाया हुआ है। ईश्वर ने एक और अब रुख करते हैं बुलंदशहर का, जहां पर डिबाई क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब, कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों के जरिए ये निगरानी हो रही है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकर्ताओं ने बीबी नगर पंचायत कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। आवारा गौवंशों को पकड़वाने के लिए यहां पर मांग उठाई गई और इसी दौरान किसानों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला।
आपने बीबी नगर की नगर पंचायत पे किसान यूनियन द्वारा धरना दिया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? एक उद्देश्य तो ये है कि किसानों की फसल आवारा पशु नष्ट कर रहे हैं। ये राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम सब पशुओं को गौशाला में बंधवाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और आवारा पशु रात को और दिन में किसान की फसल बर्बाद कर रहे हैं और जो हम फसल उगा रहे हैं वो हमारी बर्बाद हो रही है। इसलिए एक उद्देश्य तो ये था कि हम नगर पंचायत को ये सूचित करें कि वो इन पशुओं को पकड़ें और अंदर करें, अपनी गौशाला में अंदर करें, परंतु हमारे बार बार कहने के बाद भी नगर पंचायत ने कोई स्टेप नहीं उठाया। इसलिए आज हमने SDM को और संबंधित अधिकारियों को इन्फॉर्म करने के बाद में यहाँ पर धरना लगाया है। आपने बीबी नगर की नगर पंचायत पे किसान यूनियन और हमीरपुर में सरकारी अस्पताल में पेशेंट्स वार्ड में महिला स्वास्थ्य कर्मियों को पार्टी मनाते हुए देखा गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो अस्पताल के अंदर जन्मदिन पार्टी का बताया जा रहा है, जहां पर महिला स्वास्थ्य कर्मी और आशा बहुओं समेत कई नर्स भी थिरकते हुए नजर आई है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और वीडियो का वायरल होना और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ पर कान खड़े हो गए हैं उनके, और CMO ने भी इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज शास्त्री चौक पर आरक्षण बचाओ और लोकतंत्र बचाओ को लेकर महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है OBC आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए आरक्षण विरोधी कार्य किया है और चुनाव को टालने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। आज सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो और चुनाव से डर रही है सरकार, इसी वजह से इन्होंने अनर्गल कार्य किए हैं। और आरक्षण को लेकर के जिस तरीके का इन्होंने विरोधाभास पैदा किया लोगों के बीच में, और जो हमारा आरक्षण हक है उसको लेकर के इन्होंने जिस तरीके के साथ व्यवहार किया जनता के बीच में, चुनाव के लोकतंत्र का हनन किया है, उसको लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन है। और हमारी मांग है कि जब तक जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो भाजपा है इसका चाल चरित्र और चेहरा एकदम अलग अलग है, ये दुमोहिया साफ है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ये आरक्षण के आड़ में OBC का आरक्षण नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गलत परिसीमन करके गलत आरक्षण किया। लाख विरोध के बाद भी ये नहीं माने, इसके पीछे इनकी दो मंशा थी। एक तो ये चाहते थे कि आरक्षण खत्म हो जाए और दूसरा ये चाहते थे कि इसी के बहाने चुनाव टल जाए, क्योंकि इनका जनाधार घट रहा है। जैसे दिल्ली MCD का चुनाव आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बहुत बहुमत से जीती और ये लोग हारे, उसी तरह से इनको डर था कि उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहती है कि भाजपा की सरकार नगर निगम और राज्य और केंद्र से बेदखल हो, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होनी थी। इसलिए चूंकि चार साल मत कहिए, 200 साल से इन लोगों का नगर निगमों पे कब्जा रहा है और भ्रष्टाचार। बुलंदशहर से खबर है जहां मासूम बच्चे को गोद में लेकर नायब तहसीलदार की गाड़ी के आगे मत से पट्टे का लाभार्थी लेट गया।
यहाँ पर आपको ये बता दें कि तालाब को अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए लगातार ये पीड़ित चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरन उसने ये कदम उठाया है। मैं जोजे के बाले के गरीब आदमी हूँ, क्यों नहीं है रो? ये दुनिया भर एक ढेर गिरो पर और मैं लगान दे रहा हूँ टेम टू टेम, क्यों नहीं है पा रही मेरी बात की पूरी? ये गाना बना रही तो बनाना रही हो तो बना ही नहीं था बन गया। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में सर्दी और कोहरे से परेशान स्टूडेंट्स ने डीएम से छुट्टी की गुहार लगाई है, लेकिन फिर भी कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे में स्कूल जाने के लिए ये मासूम बच्चे मजबूर हैं। हालांकि बच्चों को और जिस तरह से उन्होंने डीएम से गुहार लगाई है, उन्होंने कहा कि डीएम सर छुट्टी करवा दीजिए, कोरोना का भी डर है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम हर्षित शर्मा। कहाँ पढ़ते हो? आरएसएम ओलंपियन पब्लिक स्कूल। अच्छा बेटे, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हमें भी, डीएम सर कृपया हमारी भी छुट्टी करा दें आज स्कूलों की। कोरोना का भी समय चल रहा है, हल्का हल्का कोरोना भी आप फैल रहा है इस टाइम, इसलिए हम चाहते हैं आप छुट्टी करा दें। क्या नाम है बेटा? अच्छा बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, कोरोना भी टाइम चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं डीएम साहब हमारी छुट्टी करा दें। और राजनीतिक गलियारों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म होने के बाद अब अलग अलग पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे गए, साथ ही साथ इस बीच नारेबाजी भी की गई। दरअसल पूरा मामला है जिला अलीगढ़ का, जहां थाना सिविल लाइन के जिलाधिकारी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार पर इस बीच जमकर तंज कसे गए और काफी तादाद में एकत्रित होकर जिला कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। इस बीच नारेबाजी करते हुए कहा गया कि लंबे समय से भाजपा सरकार के द्वारा दमनकारी नीतियों के तहत ओबीसी वर्ग का गला घोंचने का काम किया जा रहा है, इससे आगे ना बढ़ सकेंगे और इसी को लेकर लगातार भाजपा सरकार राजनीति से दूर करने के लिए भाजपा सरकार के द्वारा ये आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण को दरकिनार कर दिया था और मनमर्जी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के द्वारा जो निर्णय लिया गया और सरकार को पीछे आना पड़ा, उसके खिलाफ ओबीसी आरक्षण को पूर्ण रूप से चरणबद्ध तरीके से दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज उप राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पुलिस को चुनौती देते हुए अवैध असले के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसी के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रायबरेली से अभी तक दर्जनों की संख्या में ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं। इसी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं अब लोगों में खत्म होता नजर आ रहा है और धड़ल्ले के साथ लोग इस तरह से हथियारों के साथ फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज रेलखंड मार्ग पर स्थित सेवैया धनी रेलवे क्रॉसिंग पर अनियंत्रित ऑटो की टक्कर से रेलवे का फाटक टूट गया है। इस घटना के बाद से वहां अफरा तफरी का माहौल है और आनंद फानन में गेटमैन ने जंजीर लगाकर आवागमन रोककर ट्रेन को पास कराया। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ ने ऑटो समेत चालक को कब्जे में ले लिया है। मामला है प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आने की सूचना पर गेटमैन संतोष कुमार ने इस गेट को बंद कर दिया और उसी दौरान उचहार की तरफ से गदागंज की तरफ से जा रहे ऑटो ने अनियंत्रित होकर इस फाटक को तोड़ दिया है। गनीमत यह रही कि उस वक्त ट्रेन कुछ ही दूरी पर थी। आनंद फानन में गेटमैन ने सजगता दिखाते हुए जंजीर लगाकर सड़क मार्ग के आवागमन को रोक दिया।
और इस बीच ट्रक की टक्कर लगने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। मामला है डलमाऊ कोतवाली क्षेत्र के 14 मील चौराहे का, जहां पर श्यामलाल गांवपुरे जबर मिरानपुर मधुकरपुर कोऑपरेटिव खाद लेने गया हुआ था ये शख्स, और जब ये खाद लेकर वापस लौट रहा था इसी दौरान रोड क्रॉस करते समय सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है।